थोड़ी देर इनको ना प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे, फिर ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगते। बहुत मज़े की बनती है चटपटी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मिनी किचन। आज की जी हमारी रेसिपी है मिनी करेलों के छिलके और दाल। चलिए अब बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक, और वीडियो अगर आपको हमारी पसंद आए तो शेयर भी कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी लाजमी से दबा दें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुँच सके। यह है करेले के छिलके, इनको हम नमक लगा के धो के अच्छे से हल्की आँच पे फ्राई कर लिया है। ये दाल में नमक और हल्दी मिर्चन डाल के इसको भी बॉयल कर लिया है। और ये लहसुन, ये प्याज, ये टमाटर, हरा धनिया, नमक और मिर्च। करेले के छिलके को ना नमक लगा के 2-3 घंटे पहले रख देते हैं, फिर उसको अच्छी तरह से ना मसल के 2-3 पानी से धो लेते हैं, फिर बिल्कुल भी कड़वे नहीं होते। और फिर बिल्कुल हल्की आंच पे ना इसको क्रिस्पी होने तक ना हमने फ्राई कर लिया है। ये देखिए अब ये हमने मिनी कढ़ाई में डाल दिया है घी। ये घी गर्म हो चुका है, अब डालते हैं इसमें लहसुन। अब टमाटर में थोड़ा सा पानी डाल के इनको हम गला लेंगे। ये टमाटर नरम हो चुके हैं, अब डाल देते हैं इसमें प्याज। ये प्याज हमारे नरम हो चुके हैं, अब डाल देते हैं ये फ्राई किए हुए करेले के छिलके। अब डालते हैं थोड़ा सा नमक और ये लाल मिर्च। नमक और लाल मिर्च हमने दाल में भी डाली थी जब बॉयल की थी, थोड़ी सी अब डाल देंगे। अब थोड़ी देर इनको ना प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे, फिर ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगते। बहुत मज़े की बनती है चटपटी दाल। अब डाल देते हैं ये दाल। अब थोड़ा सा पानी डालेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करके अब लगा देंगे थोड़ी देर इसमें ढकना। ये देखेंगे ये हमारे चने की दाल और करेले के छिलके बन के तैयार हो चुके हैं। ये देखिए ये हमारी मिनी करेले के छिलके और दाल बन के तैयार हो चुकी है। ऊपर से डाल देते हैं धनिया। ये चलेगी ऊपर से धनिया। ये देखिए चलिए, अब वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। सब्सक्राइब कर दें चैनल को, बेल आइकन को भी लाजमी से दबा दें। चले अब मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।